गैस की बंदिश की। गैस की बंदी से घरेलू और कारोबारी जिंदगी मफलूज। इछरा, इकबाल टाउन, राजगढ़, अंदरूनी शहर समेत मुतद्दिद इलाकों में गैस की बंदिश। एलपीजी भी पहुंच से बाहर। शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। रोटी कमाना और बनाना दोनों मुश्किल हो गए। इस बारे में जानेंगे राना फात से। राना फात बताएगा, शहर का शहर परेशान है और गैस मिल नहीं रही। जी बिल्कुल सुई, नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से यह दावा किया गया था कि मौसम सरमा में शहर के किसी भी इलाके में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सामना जो है वो शहरियों को नहीं करना पड़ेगा, मगर जो अमली इकदाम है सुई नॉर्दर्न की जानिब से वो नजर नहीं आए और सूरत हाल जो है वो इंतहाई मखदूज नजर आ रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें इचरा, रहमान पार्क, इकबाल टाउन, जौहर टाउन और समेत गुंजान आबाद जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में ना तो सुबह के टाइम शहरियों को गैस दस्तयाब है और ना ही रात के टाइम खाने के औकात में जो है वो गैस दस्तयाब होती है। मैं इस वक्त इछरा का इलाका जवेद मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देख सकते हैं कि कारोबारी हजरात शदीद परेशानी का शिकार हैं। ये अपना कारोबार चलाने के लिए जो है वो गैस के सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि गैस यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये घरेलू सार्फिन भी जो है वो गैस भरवाने के लिए घरों से आए हैं और यहाँ पर जो है वो गैस एलपीजी गैस जो है वो उसके हसूल के लिए आए हैं, जबकि एलपीजी की कीमत भी जो है वो एलपीजी माफिया की जानिब से बढ़ा दी गई है। शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा मुझे बताइएगा कि कारोबार कैसे चल रहा है, गैस तो आ नहीं रही? सिलेंडर से काम चल रहा है और सुबह से लेकर आता गैस तो आती नहीं है यहाँ से, तो सिलेंडर पे काम चल रहा है। तकरीबन रोजाना 400-500 का हमारा सिलेंडर लग जाता है, तो गैस का बिल तो वही जो आ रहा है, अभी भी बिल आया पड़ा हुआ है दराज में ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि कारोबार में नुकसान कितना है गैस लाने की वजह से? गैस कारोबार में नुकसान ही नुकसान है, रात को रात तक 10-11 बजे तक हम बैठे रहते हैं, सौदा नहीं निकलता हमारा। हम सिलेंडर में कितना कुछ सिलेंडर हम जला सकते हैं, रात को तकरीबन 500-600 रुपये हमारा डेली का सिलेंडर जल जाता है। 600-700 रुपये के हिसाब से हमें बिल आ रहा है, कम से कम हमें 1500 रुपये डेली ये पड़ा है इस टाइम तक। अच्छा आप बताएं घरों में क्या सूरत हाल है? इसलिए घरों गैस भरा नहीं आ रहे हैं जी, हूँ गैस तो घर आँदी नहीं पी, घंटे लग आँदी मुझे फिर चली जाती, यदि वजह तो बड़े परेशान है तो रोंद ने नैन बेचारे दुखा देने मारे, तो की करिए कहते नवाज ही पाया दिल के सहारे, नवाज ही चंगा सी, इमरान खान होर तब्दीली कर दी है कि परेशानी परेशानी आ गई है। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा अंकल जी बताइएगा, गैस घरों में नहीं आ रही, क्या परेशानी, कितनी परेशानी है? आज तीसरा दिन है कि बिल्कुल गैस ही नहीं है। दोहटा कॉलोनी मामदरी रोड पर मैं भी घर से सिलेंडर भरवाने के लिए आया हूँ, इस वक्त गैस की कीमत जो उनकी 180 रुपये किलो है, वो भी उसे देते हैं जो उनका वाकफ कार हो, दूसरे को गैस ही नहीं देते क्योंकि महंगी, उसकी वजह छापा पड़ता है, पकड़े जाते हैं। अच्छा आप बताएं क्या सूरत हाल है घर में, कितना बजट कितना डिस्टर्ब होता है गैस ना होने की वजह से? बहुत ज़्यादा होता है, ये 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाता है। बच्चे भूखे सुबह चले, नाश्ते के बगैर चले जाते हैं, क्या करें हम? ये तो तब्दीली आई है या हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है? ये लोग इमरान खान को इसलिए लाया था कि चलो ये तब्दीली लाएगा, हमारा तो बजट, हम तो रक्षा चलाते हैं, रक्षे वाले 180 रुपये तक गैस डलवा रहे हैं। घरों में तो गैस वैसे ही नहीं है, बाहर सवारी नहीं है, क्या करें, मजबूर हैं जी। बिल्कुल आपने शहरियों की बात सुनी, यहाँ पर कुछ रक्षा ड्राइवर हैं, कोई कारोबारी हजरात हैं और कुछ घरेलू जो है वो सार्फीन हैं जो गैस भरवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, और इनका बदल गई हालात ना बदले, ऐसे में गैस की बंदी से घरेलू और कारोबारी मामला दोनों काफी मुतासिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना फहद, आप हमें आगाह कर रहे थे। गैस मिल नहीं रही, क्यों नहीं मिल रही कोई नहीं जान रहा। गैस की किल्लत का मामला है। वज़ीर-ए-आज़म का सुई नॉर्दर्न और सुई सदरन गैस के बोर्ड्स को फौरी हटाने का फैसला किया गया है। कहते हैं जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा लियाकत अंसारी से। जी लियाकत बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म का इस हवाले से मजीद क्या कहना था? अभी बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस हवाले की जो किल्लत का मामला है उस पर उनका फैसला सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़े कहा है की सिदरन गैस के जो बोर्ड है उनको फौरी तौर पर हटाने जाए, जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आवाम को किसी सूरत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आवाम की तर्जमानी के लिए हुकूमत में आए हैं और गैस का मसला एक बड़ा मसला है, इसे हर सूरत खत्म करेंगे। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने जो है दोनों को जो सुई नाथन और सिदरन गैस इनके बोर्ड को जो है वो फौरी तौर पर हटाने का फैसला किया है। जी
शुक्रिया लियाकत अंसारी अपडेट करने के लिए।